हेलो गाइस एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एसके। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एंड डिफरेंस कर्व के थ्रू कैसे आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करें। इससे पहले यदि आपने वीडियो नंबर 6 नहीं देखा है, ये वीडियो नंबर 7 है, और यदि आपने वीडियो नंबर 6 नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 6 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूएशन में है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बातें वो यदि आप नहीं देखेंगे तो ये बात समझ में नहीं आ पाएगी। तो शुरुआत करते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज व्हिच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। आप कोई दो चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कर्व, उस कर्व का नाम इंडिफरेंस कर्व है। समझते हैं इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू। समझिए कि कोई दो गुड्स है, गुड एक्स और गुड वाई। मैं एग्जांपल के ऊपर मान लेता हूं कि इनका नाम पिज्जा है और बर्गर है। अब आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि यदि आप एक पिज्जा ले लें और 20 बर्गर ले लें, हम किसी बहुत मोटे तगड़े व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो बहुत खाता पीता है, तो एक पिज्जा वो ले ले और 20 बर्गर ले ले, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उससे जो उसको संतुष्टि मिल रही है, वो सेटिस्फेक्शन को मैंने नाम दे दिया एस। वो 20 बर्गर दे दो और एक पिज्जा दे दो तो भी वो खुश है। आपने बोला कि साहब जो है पिज्जा की मान लो बढ़ाना, यदि ये दो कर दे तो बर्गर से कम करना पड़ेगा, तो बर्गर यदि हम कम करें तो वो किसे सेक्रीफाइस करने की रेडी है। मैं मान लेता हूं कि वो 5 सेक्रीफाइस करने की रेडी है, मतलब कि उसको आप 2 पिज्जा दे दो 15 बर्गर दे दो तो भी वो उतना ही खुश है, उतना ही हैप्पी है, राइट। तो जो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो अभी भी इक्वल है। मैं मान लेता हूं कि इसको मैं ऐसे लिखते हैं, उसका हैप्पी वाला एक टर्म देते हैं, वो तब भी हैप्पी था, वो अब भी हैप्पी है। कोई आपका फ्रेंड है जो इस कॉम्बिनेशन में भी हैप्पी है, इस कॉम्बिनेशन में भी हैप्पी है। आपने बोला आपको 3 पिज्जा देते हैं और बर्गर जो है वो आपको 11 देते हैं, तब भी वो उतना ही हैप्पी है, चलो ठीक है। आपने बोला कि हम आपको 4 पिज्जा देते हैं और 8 बर्गर देते हैं, तब भी वो उतना ही हैप्पी है, यानी कि इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो वही का वही है। आपने बोला कि चलो 5 पिज्जा देते हैं और 6 बर्गर देते हैं, तब भी वो उतना ही हैप्पी है, यानी कि ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनमें वो हैप्पी हैप्पी है, मतलब उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल है। और इसी वजह से इस टाइप के जो हम अभी इसको बनाएंगे, कर्व को बनाएंगे, तो ये जो इस कर्व का जो बेसिक है वो बेसिक इसी बात पर है कि जो कंज्यूमर दो चीजें कंज्यूम कर रहा है तो उसमें वो इंडिफरेंस रहता है, यानी कि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल रहता है, डिफरेंस नहीं होता, इंडिफरेंस, डिफरेंस का अपोजिट इंडिफरेंस, कि वो कंज्यूमर जो है इंडिफरेंस है, कंज्यूमर को हर लेवल पर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, भले वो 20 ईयर पर कंज्यूम करे, 1 ईयर कंज्यूम करे, 15 ईयर, 2 ईयर, 11 ईयर, 3 ईयर, 8 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर और 5 ईयर, तो वो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बराबर है। इसी वजह से इसका नाम इंडिफरेंस कर्व नाम है इसका। अब आगे इसमें हम एक चीज देखने को मिल रही है, वो क्या है, उसका नाम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप देखें कि आपने इसको एक बढ़ाने के लिए ये जो है आपको पहले 5 कम करना पड़ेगा, यानी कि चेंज इन एक्स 1 हुआ तो चेंज इन वाई कितना हुआ है 5, तो चेंज इन वाई मैंने लिखा 5 और चेंज इन एक्स है 1, राइट। फिर वापस एक और बढ़ाने के लिए आपको चेंज करना पड़ा 4 का, यानी कि आप ये इसको देखें कि 4 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 1 को गेन करने के लिए। फिर यदि आप देखेंगे तो 3 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 1 को गेन करने के लिए। फिर यदि आप देखेंगे इसको 1 गेन करने के लिए 2 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यानी कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें कितने एक्स कमोडिटी को मतलब गेन करने के लिए कितनी वाई कमोडिटी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या हम कहेंगे पिज्जा को गेन करने के लिए हमें जो बर्गर है वो कितने सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इसमें आपको एक चीज देखने को मिली है,
और उसमें आपको मैजिक देखने को क्या मिली है, इसमें आपको एक्चुअली देखने को ये मिली है कि जैसे जैसे आप पिज्जा आपको बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब एक्स कमोडिटी एक्स नाम बोल देता हूँ, कमोडिटी एक्स को आप बढ़ाते जा रहे हैं तो आपको ये सेक्रीफाइस तो करनी पड़ रही है, एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को खोना पड़ता है, ये बात तो तय है। पर लेकिन ये खोने का रेट क्या होगा, पहले ज्यादा था फिर कम फिर कम और फिर कम, ऐसा क्यों, ऐसा यूजुअली ऐसा होगा, और ऐसा क्यों होगा कि जैसे आपके पास यदि जब हम देखेंगे जब बर्गर आपके पास 20 है और ये 1 है, यानी कि आपके पास इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, जो चीज हमारे पास सबसे कम होगी, जो चीज हमारे पास सबसे कम होगी उस चीज को हमें गेन करने की इच्छा हमारी ज्यादा होगी, और जो चीज हमारे पास ज्यादा है ऑलरेडी उसको हम सेक्रीफाइस करने को हम रेडी रहेंगे, राइट। तो आपके पास ऑलरेडी जो बर्गर ज्यादा है तो आप सेक्रीफाइस करने को रेडी है, क्योंकि आपके पास ज्यादा है तब आप ज्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी है। जब आपके पास जब आपके पास कम होते, मान लेते हम इस लेवल पर आगे बात करें, यहां पर ऑलरेडी आपके पास बर्गर भी इतने ज्यादा नहीं है तो आप सेक्रीफाइस भी ज्यादा करने को रेडी नहीं, आप सेक्रीफाइस भी कम करना चाहते हैं। जब आपके पास कोई चीज कम होगी आप उसको सेक्रीफाइस कम करना चाहेंगे, लेकिन आपके पास जब कोई चीज ज्यादा होगी तो आप उसको ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, राइट। तो आप किसी दूसरी चीज को गेन करने के लिए शुरुआत में ज्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी रहते हैं, लेकिन बाद में उसी चीज को गेन करने के लिए आप कम सेक्रीफाइस करने को रेडी रहते हैं। और ये जो रेशियो है कि एक चीज को गेन करने के लिए हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ये गेन और सेक्रीफाइस का जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम ही है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों है, मार्जिनल देखिए, आपने अभी तक जितनी भी टेबल देखी होगी, आप इलेवन से पढ़ते आ रहे होंगे, इलेवन में आपसे पढ़ा होगा कि मार्जिन, जब भी कोई सीक्वेंस में कोई नंबर दिया हो तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो मार्जिनल कहलाता है, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर टोटल के बाद यदि हम ऊपर बढ़ेंगे तो वो जैसे कि 10 था एक लेवल पे, कोई चीज 10 है फिर दूसरे लेवल पर 12 हो गया, यानी कि मार्जिन कितना हुआ 2। जैसे कि आप देखें कि ये 20 था अब 15 हो गया, तो जो चेंज आया वो मार्जिन, जो चेंज है वो मार्जिन कहलाता है। तो ये चेंज है तो चेंज यानी कि मार्जिन, और फिर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि ये इसको गेन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करने को रेडी है, या ये कितने से ये अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, ये 5 के बदले में 1 सब्स्टिट्यूट है, ये 4 के बदले में 1 सब्स्टिट्यूट है, फिर 3 के बदले में, फिर 2 के बदले में, तो इसलिए इसका नाम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, राइट। तो इन डिफरेंस कर्व के बारे में यदि हम जब भी बात करें तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, और इनके जो गेन मतलब सेक्रीफाइस और गेन का जो रेशियो है उस रेशियो का नाम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। अब यदि हम इसको यदि आप एक ग्राफ पर यदि आप रिप्रेजेंट करें, ऑलवेज आपको पता है एक्स इस साइड होता है वाई इस साइड होता है, यदि आप इसको आप रिप्रेजेंट करें तो ये रहा 1 2 3 4 5, देखिए आप कि ये 1 है तब ये 20 है, जब ये 1 है तब ये 20 है, जब ये 2 है तब ये 15 है, तो 2 है तब ये 15 है, तो तकरीबन यहाँ होगा, फिर 3 है तब ये 11 है, कुछ इस तरह 3 है तब 11 है, यानी कि यहाँ बनना चाहिए 4 है तब ये 8 है, 5 है तब ये 6 है, कुछ इस तरीके का एक कॉन्वेक्स टाइप का कर्व बनेगा, राइट। तो ये कॉन्वेक्स टाइप का कर्व बनेगा, इसी कर्व को हम बोलते हैं इन डिफरेंस कर्व, इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं इन डिफरेंस कर्व, राइट। तो इन डिफरेंस कर्व क्या होता है, MRS क्या होता है, ये दोनों बातें तो क्लियर हो गई। अब हमें देखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने उनको पता है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन ये होता है जैसे कि मान लेते हैं कि ये प्राइस ऑफ एक्स, ये जो एक्स है इसकी प्राइस मान लेता हूं मैं 100 रुपीज है, यानी कि जो पिज्जा वो 100 रुपीज मिल रहा है, और जो वाई इसकी जो प्राइस मैं मान लेता हूँ 25 रुपीज, मान लेता हूँ कि इनकी प्राइस 100 रुपीज है, इसकी प्राइस 25 रुपीज है, तो जो स्लोप ऑफ बजट लाइन आएगा वो क्या आएगा, वो हमें पता है कि Px अपॉन Py, यानी कि 100 डिवाइड बाय 25, तो आपको मिलेगा 4:1। अब जहां पर ये Px अपॉन Py इसका जो रेशियो है, जहां पर वो ये रेशियो
एमआरएस के रेशियो के बराबर होगा, जहां पर ये रेशियो एमआरएस के रेशियो के बराबर होगा, उस वाले लेवल को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप देखेंगे 4:1 कहां पर बराबर है, ये 4 रेशियो यहां पर भी दिया हुआ है, यानी कि कंज्यूमर इस लेवल पर, यानी कि जो कॉम्बिनेट और सारे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ये जो सी वाला जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें 3 यूनिट आप पिज्जा और 11 यूनिट आप बर्गर, यदि आप कंज्यूम करें तो आप जो को है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। तो ये वाला जो लेवल है, ये वाले लेवल पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये वाले लेवल पर उसकी जो प्राइस का रेशियो है PX/PY, ये MRS के इक्वल है, जहां पर भी PX/PY इज इक्वल टू MRS होगा, उस वाले लेवल को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस वाले लेवल को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एक ये वो ऐसा लेवल है जहां कंज्यूमर को वो पर्टिकुलर दो चीजें कंज्यूम करने में सेटिस्फेक्शन तो मिल ही रहा है, जो बाकी के कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन ये वो वाला कॉम्बिनेशन है जो उसके बजट में आ भी सकता है, जो उसके बजट लाइन पर आ रहा है, यानी कि उसके पूरे पैसे भी यूज हो जाएंगे और उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी वही वाला मिलेगा। तो इसलिए इस ये वाला जो लेवल होता है, जहां पर MRS इज इक्वल टू PX/PY होता है, वो वाले लेवल को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी डिफरेंस करूं मैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला हुआ PX/PY इज इक्वल टू MRS ऑफ X एंड Y। आपने टेबल तो बनाई, यदि आप उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें मालूम है कि बजट लाइन तो जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है इस पर जो ये डिफरेंस कर रही है, ये तो बजट लाइन होगी और ये डिफरेंस कर रहे हैं, और ये इंडिफरेंस कर लो जहां इंटरसेक्ट होता है, यूजुअली ये वही इंटरसेक्ट होगा जहां PX/PY इज इक्वल टू MRS ऑफ XY, ये वहीं पर इंटरसेक्ट होगा, यूजुअली ये इन ओरिजिन टू जो मतलब कॉन्वेक्स ओरिजिन जिसको बोल सकते हैं, ये ओरिजिन के सामने ही होगा, और यही वाले पॉइंट को हम बोल सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर दिया टेबुलर फॉर्म में भी और ग्राफिकल फॉर्म में भी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व का फाइनल, यदि हम बात करें तो फाइनल फॉर्मूला है PX/PY, यानी कि उनकी प्राइस का रेशो और MRS। MRS क्या होता है हमने पढ़ चुके हैं, MRS यानी कि एक चीज को गेन करने के लिए दूसरी चीज कितनी सेक्रीफाइस करना पड़ती है। तो ये जो रेशो है, ये दोनों रेशो जहां बराबर है उस लेवल को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं बाय इंडिफरेंस कर्व। ठीक, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, और नहीं भी हुई तो कमेंट बॉक्स में लिखें, एक बार वापस से पढ़ेंगे।